बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के अंदर ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई बाइक है या साइकिल या स्कूटर है और आप बहुत तेज जा रहे हैं और आपको मुड़ना है, राउंड अबाउट आगे आपको मुड़ना है, तो मुड़ते हुए आप अपना स्कूटर या बाइक टेढ़ा करेंगे। अगर जितनी स्लो जा रहे हैं उतना कम टेढ़ा करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता आप साइकिल पे जा रहे हैं, आपने हैंडल ऐसे कर दिया, गिरेंगे गिरेंगे, पक्की बात है। आपको बेंडिंग तो हल्की सी करनी पड़ती है, और जितनी स्पीड पे जा रहे हैं बेंडिंग करनी ही पड़ेगी। आप रेसिंग के अंदर देखें, मोटरसाइकिल रेसिंग, क्या आप बेंडिंग करते हैं, नीज के ऊपर कैप लगी होती है स्टील की, चिंगारियां छोड़ती जाती है, तो बेसिकली क्या है, वो बेंडिंग हुई हुई है। हाँ, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो हो सकता है आपको बेंडिंग कम करनी पड़े, पर बेंडिंग करने से होता क्या है ये टॉपिक आपको ये बताएगा। फ्रिक्शन तो चलो फायदा दे ही देगी, घूमने में हेल्प करेगी करेगी। इस टॉपिक में मैंने एक मिनट के लिए फ्रिक्शन हटा दी और फिर भी मैं घूमना चाहता हूं साइकिल पे, मैं मानता हूं साइकिल चलेगी नहीं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि बेंडिंग का क्या असर होगा। तो ये ऐसा कुछ केस है, ये वर्टिकल है और ये साइकिल का हैंडल है, फ्रंट फ्रंट दिख रहा है आपको, ये टायर दिख रहा है, पीछे की साइकिल दिख नहीं रही, वो एक सिर्फ फ्रंट पार्ट दिख रहा है, पीछे की तरफ साइकिल है, बंदा ऐसे आ रहा है। तो अगर वो बंदा ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ का सर्कल काटेगा, वो अगर ऐसे मुड़ रहा है मतलब वो ऐसे मुड़ेगा। तो अगर इस केस में ऐसे मुड़ा है तो उसका सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये रहा इसका सेंटर सी, राइट, सेंटर सी उसकी तरफ होगा जहाँ वो बेंड करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, बेंडिंग से क्या फायदा हुआ, रूल नंबर वन, ये जो बंदा बैठा था इसका वेट क्या है, एम जी, साइकिल का कोई मास नहीं, टोटल मास ही ले लिया इसमें, एम पॉइंट, मैंने बोला था पॉइंट मास लेंगे हम, तो इसका पॉइंट मास है एम, तो वेट क्या है एम जी, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूँ साइकिल लेके, तो वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन एकदम ऊपर। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में घोड़ा टेढ़ी टांग लगाता था तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा, ऐसी साइकिल टेढ़ी हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन भी टेढ़ा, तो ये आर फॉर नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एन लेते हैं, एन या आर ए की बात है, ये फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। अब साइकिल वाला कितना एंगल बेंड हुआ, थीटा, तो अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या है, थीटा, तो अगर ये थीटा है तो आर के दो कॉम्पोनेंट है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब साइकिल वाला ऊपर तो उड़ नहीं रहा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ही, तो यानी कि ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब साइकिल वाला किस में घूम रहा है, सर्कल में, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपेटल। अब एक तरीका, साइकिल वाला कहता है जी मेरे को सर्कल में घुमाओ, पहला तरीका, साइकिल पे मैंने बांध ली रस्सी, मैं कहा चल रस्सी बांधता हूँ तेरे साथ और तेरे को मैं सेंटर पे खड़ा रहता हूँ इस चौक के सेंटर पे राउंड अबाउट के, और रस्सी से तेरे को ऐसे ऐसे घुमाता हूँ। सोचो साइकिल वाला कहता है मेरी टेंशन, मेरे को बेंडिंग क्या करनी, मेरे को सर घुमा रहे हैं, मैं घुमा रहा हूँ सर, एक तरीका, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं उस रस्सी से खींच के। अब रस्सी नहीं है तो दूसरा तरीका, उसको हाथ से उठा देता हूँ, चलो मैं घुमा देता हूँ, अब भी सेंटीमीटर मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब तीसरा केस, अब मैंने कहा मैं तो आऊंगा नहीं, ना रस्सी है ना मैं हूं, अब तो खुद देख कैसे करना है। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेंड, बेंड करने से क्या करता है, वो एक फोर्स जनरेट करता है आर साइन थीटा, जबकि आर तो ऊपर था, बेंड होने से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ जाता है, और सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो ये आर साइन थीटा उसे क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है सर्कल में, क्या एक्ट करेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। तो पहली इक्वेशन क्लियर है, r cos थीटा mg, दूसरी इक्वेशन r sin थीटा किसके इक्वल है, mv स्क्वायर बाय r, फिर r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसमें साइकिल वाला घूम रहा है, v वेलोसिटी जिसमें साइकिल वाला घूम रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है? यस सर। मतलब जो भी r sin थीटा मान लो 10 न्यूटन आती है, ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, ये mv स्क्वायर बाय r का काम करेगी, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए सेंटीमीटर चाहिए। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, r r कैंसिल, तो m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg, sin बाय cos क्या है, tan, tan थीटा, v स्क्वायर बाय rg, तो यहां से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। तो फार्मूला नोट करें, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट नोटबुक के अंदर, फार्मूला नोटबुक में, और tan थीटा v स्क्वायर बाय rg, आपको क्वेश्चन आएगा साइकिल वाला v वेलोसिटी से जा रहा है, r रेडियस में जा रहा है, g आपको पता है, तो वो पूछेगा साइकिल वाला कितना बेंड हुआ बताओ, tan थीटा या थीटा बताओ, एक आंसर। ये भी पूछ सकता है साइकिल वाला थीटा बेंड हुआ, r पता है, g ले लो, बोलो कितनी वेलोसिटी पे जा रहा है, तो भी ये फॉर्मूला tan थीटा v स्क्वायर बाय rg का फॉर्मूला प्लीज नोट कर लो।